खबर आपको बता दे, आगरा मेरठ के बाद लखनऊ में भी जो पीपीई किट है वो घटिया क्वालिटी की निकली है। आरएमएस संस्थान में भेजी गई है किट। देवदूतों की जान से अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। मेडिकल कॉर्पोरेशन की कार्यशैली पर उठाए गए हैं कई सवाल। आगरा मेरठ के बाद लखनऊ में भी पीपीई किट घटिया उपलब्ध कराई गई। आरएमएस संस्थान में भेजी गई है घटिया किट। देवदूतों की जान के साथ अधिकारी कर रहे हैं खिलवाड़। लगातार मेडिकल कॉर्पोरेशन की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, लगातार पीपीई किट की घटिया क्वालिटी की खबरें सामने आ रही हैं। आगरा मेरठ के बाद अब लखनऊ से जो खबर आई है उसमें भी जो पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है वो घटिया क्वालिटी की है, तो देवदूतों की जान के साथ आखिर अधिकारी खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां एक तरफ स्वास्थ्य कर्मियों की जान से के लिए सब कुछ संभव मदद करने की बात कर रहे हैं, सभी अधिकारियों को निर्देश है कि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनके लिए पीपी किट बेहतर दी जाए, उनको सैनिटाइजेशन अगर उनको करना है तो उसको हर तरह से उनको दिया जाए सुविधा, उनको क्वारंटीन किया जाए यदि उनको कोई भी अस्पताल में कोई भी मरीज अगर संक्रमित पाया जाता है, तो तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, करोड़ों का बजट दिया जा रहा है। लेकिन मेडिकल कॉर्पोरेशन की लगातार इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों इस तरह की घटिया क्वालिटी की वो किट खरीद करके इन चिकित्सा कर्मियों को दे रहा है। डॉक्टर और स्टाफ अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो ऐसे में वो क्यों अपनी जान को जोखिम डाल करके किसी मरीज की सेवा करेंगे या मरीज को बचाने का प्रयास करेंगे? वो पहले अपनी खुद की जान को बचाएंगे। और इसमें एक बड़ा गंभीर सवाल उठ रहा है कि आखिर जो श्रुति सिंह है, जो एमडी है मेडिकल कॉर्पोरेशन की, वो क्या कर रही है, किस तरह की वो उनकी कार्यशैली है? लगातार पिछले एक हफ्ते पहले भी ये सवाल उठा था और डीजीएमई ने पत्र लिख के सभी घटिया किस्म की जो पीपी किट थी उसको वापस करने का दिया था। और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से राजधानी लखनऊ का जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान है उसमें भी घटिया किट सप्लाई की गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि सीएमओ ऑफिस से आई है, लेकिन यह घटिया किस्म कौन कंपनी सप्लाई कर रही है और क्या अधिकारी कर रहे हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या, चिकित्सा कर्मचारियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के लिए उनको बैठाला गया इतने बड़े पद पर? ये एक बड़ा सवाल उठता है। मनीष जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि बार बार मेडिकल कॉर्पोरेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पीपीई किट घटिया उपलब्ध कराई जा रही है, उसके बाद वो वापस पीपीई किट मंगवा ली जाती है, लेकिन आखिर क्यों इसकी गुणवत्ता पहले से चेक करके नहीं भेजा जा रहा है? के साथ आपको ये भी बता दें कि जो पीपी किट के नॉर्म्स हैं जो पूरी तरह से कवर्ड होना चाहिए, अगर आप देखिए तो जो हमें जो तस्वीरें मिल रही हैं उसमें शूज के लिए अलग पैक है, ऊपर का पैक अलग है, पूरी तरह से कवर अप नहीं है। जो डॉक्टर या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ उस किट को पहनेगा तो वो कहीं से भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, संक्रमण होने का बड़ा खतरा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये पीपी किट क्यों इस तरह की सप्लाई की जा रही है, आखिर कौन है ऐसा सिंडिकेट जिसने इस तरह की लापरवाही करी है और लगातार वो हमारे देवदूतों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। यदि यही माहौल रहा तो अस्पतालों में डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों का साफ कहना है कि हम इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, करनी भी नहीं चाहिए। मनीष जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा और मेरठ के बाद अब लखनऊ में भी जो पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है वो घटिया क्वालिटी की है। लगातार मेडिकल कॉर्पोरेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों देवदूतों की जान के साथ अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम क्यों काम करेंगे।